अभी 2019 में गर्ल इन्फेंटिसाइड के ऊपर एक आर्टिकल राइटिंग कंपटीशन हुआ था, क्योंकि जो हमारा हिंदी हर्टलैंड है यहाँ पर लड़कियों को काफ़ी जगहों पर ऐसा होता है कि पैदा होने के बाद फौरन ही मार दिया जाता था। तो उसमें एक आर्टिकल लिखा था, उसके एक मतले से मैं आपको शुरू करता हूँ कि सब कुछ फना हो गया, जमी दोष हो गए लोग, सब कुछ फना हो गया, जमी दोष हो गए लोग, बेटी को जिंदा दफनाया था, खुद दफन हो गए लोग। किसको बताएं यार हम अपना पुरसाने हाल, किसको बताएं यार हम अपना पुरसाने हाल, किससे करें गिला और किस पर करें मलाल। किसको बताएं यार हम अपना पुरसाने हाल, किससे करें गिला और किस पर करें मलाल, ऐसे डूबे उसकी आँखों में कि पता ही ना चला, ऐसे डूबे उसकी आँखों में कि पता ही ना चला, ऐसे खोए उसकी यादों में कि गुजरा एक और साल। अलविदा 2021। तो एक शेर और उसी के लिए कि जो गुनगुनाते थे हम वो गीत गया, जो गुनगुनाते थे हम वो गीत गया, जिससे लगता था दिल वो मीत गया, जो गुनगुनाते थे हम वो गीत गया, जिससे लगता था दिल वो मीत गया, मत पूछिए हमारे गुजरे हुए वक्त की हालत, मत पूछिए हमारे गुजरे हुए वक्त की हालत, जनाब उसके बिना ये बरस भी बीत गया। कि तन्हाई की ऐसी आदत हुई है मुझे, तन्हाई की ऐसी आदत हुई है मुझे, नींद नहीं आती अब बेहोशी आती है, तन्हाई की ऐसी आदत हुई है मुझे, नींद नहीं आती अब बेहोशी आती है, तबीयत अलील होने की फकत वजह यही है, तबीयत अलील होने की फकत वजह यही है, वो तो नहीं आती मगर उसकी याद आती है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, थोड़े से अल्फाज, कि जेल की फितरत है कैदी की रहनुमाई। जब जेल में किसी कैदी को डाला जाता है वो सजा बतौर नहीं होता, वो वहां से सुधर के निकले। तो जेल की फितरत है कैदी की रहनुमाई, बहुत बुरा आया था और बहुत भला गया। जेल की फितरत है कैदी की रहनुमाई, बहुत बुरा आया था और बहुत भला गया, कमबख्त उसकी फितरत हमें कभी समझना आई, कमबख्त उसकी फितरत हमें कभी समझना आई कि वो क्यों आया था और क्यों चला गया।